ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान का अलवर जिला एक बार फिर शर्मसार हुआ है। जिले में रक्षक ही भक्षक बन गया। रेप का आरोप एक उपनिरीक्षक पर लगा है। दरअसल खेड़ली थाने में फरियाद लेकर आई महिला से उपनिरीक्षक ने 3 दिन तक दुष्कर्म किया। महिला के रेप का मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने आरोपी उपनिरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। उधर मामले की सूचना के बाद IG हवा सिंह घुमरिया, SP तेजस्विनी गौतम खेड़ली थाने पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई। बताया जा रहा है कि महिला पति से विवाद मामले के निपटारे के लिए थाने पहुंची थी, जहां उपनिरीक्षक ने झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद 3 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। SP अलवर तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 26 वर्षीय महिला से 2, 3 और 4 मार्च को रेप किया गया। तब किसी कारणवश महिला शिकायत दर्ज नहीं करवा पाई। एक महिला के द्वारा थाने पे तैनात सब इंस्पेक्टर के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया है। भरत सिंह सब इंस्पेक्टर है। कब की घटना? घटना जो महिला ने बताई है वो 2, 3 और 4 तारीख की बताई है और यही थाना परिसर की बताई है घटना। जो थाने में ही साइड में कमरा है जिसमें ये सब इंस्पेक्टर रहता है, ऑफिस है उनका, इस तरीके से ऑफिस और घर दोनों उसी में है, उसी एक ही कमरे में बना रखा है। उसमें घटनाक्रम बताया है। उस पुष्टि के होने के बाद आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसमें सर क्या कार्रवाई होगी? इसमें मेडिकल वगैरह कुछ लड़की मेडिकल के लिए अभी भेजा था। लड़की ने मेडिकल के लिए अभी प्रथम दृष्टा मना किया है डॉक्टर के सामने जी। लेकिन जो अभी तक की तफ्तीश थी उसमें चूंकि थाना परिसर की घटना और गंभीर घटना है तो हमने तत्काल जो है सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर लिया। और इस समय इस मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस से सुजाता पॉल जी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सुजाता जी, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बधाई। और दूसरा सवाल ये, अलवर में जो एक महिला के साथ रेप किया है वो भी पुलिसकर्मी ने, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। और बड़ा दुख का विषय है कि आज के दिन ये मामला सामने आया है और जिस प्रकार से पुलिस वाले ने अपनी रक्षा करने वाली शक्ति का दुरुपयोग करते हुए एक महिला के साथ इस प्रकार की हैवानियत करी है, इसकी न केवल मैं कड़ी निंदा करती हूँ पर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इसमें पुलिस त्वरित कार्यवाही करेगी ताकि इस पुलिस वाले को ऐसी सजा मिले कि इसको देखकर, उस सजा को देखकर हर पुलिस वाले का रूह कांप उठे और वो दोबारा ऐसा कृत्य करने की सोचे भी नहीं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह है कि राजस्थान के अलवर की हम बात करें तो ये कोई पहला मामला वहां से सामने नहीं आया है। अक्सर अलवर से इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। अलवर कैपिटल बनती जा रही है क्या राजस्थान की, अगर हम रेप कैपिटल बोलें या क्या बोलें? इस तरह के मामले बराबर वहां से सामने आ रहे हैं और बड़े बड़े मामले। निश्चित तौर पे आप जो बात कह रही हैं इससे मैं बिल्कुल मतलब बचाव करने की स्थिति में हूं नहीं। मैं इस बात को फेस नहीं करूंगी तो हम अपने साथ, आपके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करेंगे, क्योंकि समाज में जिस प्रकार से महिलाओं के विरुद्ध पुरुषों की मानसिकता है, पितृ सत्ता है, घृणा की भावना है, ये हमने देखा है कि अलवर में बार बार ये स्थिति आई है सामने। और यहाँ पे हमारी सरकार को ये आवश्यकता है अब कि पुलिस पर भी ये जोर दे कि जिस प्रकार से इस वक्त भी जब महिला सामने आई तो उन्होंने कोई हीला हवाली नहीं करी, कोई ढील ढुल्लम नहीं करा और एकदम मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए FIR दर्ज करी और इस सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट भी कर लिया। अब जो जरूरत है कि वहां पे लोगों को जागरूक करने का अभियान तेज करा जाए ताकि लोगों के अंदर जागरूकता हो कि कानून उनके साथ है, उनके अंदर डर खत्म हो जाए कि वे सामने आ सके, पुलिस के पास जा सके। और पुलिस के ऊपर भी जो कार्यवाही है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि पुलिस कभी भी किसी भी अपराधी को बचाने की कोशिश ना करे और स्वयं भी इस तरह का कृत्य ना करे। ठीक है मैम, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए पंकज मीणा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पंकज मीणा जी, आज अलवर से जो मामला सामने आया है उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, जब से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ पिछले 2-2.5 साल से लगातार राजस्थान बेचारी मासूम बच्चियों महिलाओं के लिए दुष्कर्म के नाम पे बदनाम होता जा रहा है। और खासकर अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर भी अलवर जिला एक ऐसा जिला है
जहाँ लगातार हर छठे महीने है कोई ना कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जिसके कारण से पूरे राजस्थान को देश के सामने शर्मसार होना पड़ता है। पर दुर्भाग्य ये है कि आज हर राजस्थानी शर्मसार जरूर होता है, पर राजस्थान में सत्ता में बैठे लोग बिल्कुल भी इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करते और वो बड़े निर्लज होकर इन सारी घटनाओं पे केवल और केवल लिपापोती करने में रहते हैं। मैं याद दिलाऊं, जब ये गहलोत सरकार या सत्ता में आई थी, थानागाजी के अंदर एक बड़ा गैंगरेप हुआ था जिसके कारण से अलवर जिला पूरे विश्व के नक्शे पे जाना जाने लगा था। उसके बाद में बहुत समय बाद में जनता की और सरकार लोगों की मांग के ऊपर आपने वहां अलवर जिले को 2 SP तो जरूर बैठा दिए, परंतु इस प्रकार की घटनाएं नहीं रोक पाए। आज अलवर जिला जरूर इस प्रकार से घटनाओं के अंदर आगे बढ़ता जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अन्य जिले इस मामले में कहीं सुरक्षित हो। आज आप जाइए बारा से जाइए या राजस्थान के गंगानगर में हनुमानगढ़ में जाइए, सब जगह इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही है और ये सीधा सीधा ये दिखाता है कि राजस्थान के अंदर जो अभी शासन में बैठे लोग हैं वो बिल्कुल निर्लज निरंकुश है। बताइए सुजाता जी। देखिए जो बात ये कह रहे हैं ना, ये अपने अंदर झांक ले, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है उसमें महिलाओं के विरुद्ध उनका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, उनको ये कहा जाता है उनके साथ बलात्कार नहीं हुआ। और इनकी सरकार के अगर मैं पिछले कृत्यों को दिखाऊं तो वहां पे भी बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आती है, मेरे पास पूरा डेटा सामने है, लेकिन मैं उस पे नहीं जाना चाहती। ये बात साफ है कि इसमें राजनीतिकरण अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो वो गलत है। आवाज उठाना एक अलग विषय है और आवाज उठाना भी चाहिए अगर किसी महिला के साथ अपराध हो रहा है, लेकिन इस विषय में राजनीतिकरण करके इस मुद्दे को आप मुद्दे से भटकाना चाहते हैं क्या? इनको इस वक्त आवश्यकता नहीं है कि सरकार से वही बात कहे जो मैं एक कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते अपनी सरकार से उम्मीद कर रही हूं कि कार्यवाही हो और त्वरित कार्यवाही हो ताकि इस पुलिस वाले को सजा मिले। क्या इस पुलिस वाले को अरेस्ट नहीं किया गया? क्या उस महिला का FIR दर्ज नहीं किया गया? झांकना है तो जाइए और मध्य प्रदेश में झांकिए अपने अंदर, जाना झांकना है तो जाइए और झांकिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बेटियों के साथ क्या हो रहा है। राजनीतिकरण इस विषय का नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलकर इस विषय में उन पुलिस अधिकारियों को की पीठ को भी थपथपाना चाहिए जिन्होंने अपने ही एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार भी कर लिया, FIR दर्ज कर ली और इसमें किसी भी प्रकार को से इस मामले को दबाने की कोशिश करता हुआ कोई नहीं दिख रहा। पंकज मीणा जी एक बात बताइए, समाज को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि सरकार और प्रशासन के अलावा ये तो समाज की भी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को एक सुरक्षित माहौल दे सके, तो उसके लिए जागरूकता के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? पल्लवी जी, सबसे पहले तो मेरे को इस बात की और ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि कांग्रेस की प्रतिनिधि जो महिला स्वयं है वो किसी महिला का दुख दर्द समझने की जगह है केवल और केवल अपनी सरकार को संरक्षण देने में लगी हुई है। अच्छा होता अगर ये बोलती कि मैं मेरी सरकार से मांग करूंगी कि उस लड़की को मुआवजा मिले। एक बात आपको, एक सेकंड पंकज जी मैं आप जब जुड़े नहीं थे उससे पहले ही सुजाता पाल जी हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने पहली शब्द और पहला वाक्य यही बोला कि मैं इसमें कोई सफाई नहीं दूंगी, कोई मैं बचाव नहीं करूंगी और मैं तो अपनी सरकार से यही मांग करूंगी कि हमारी बच्चियों को सुरक्षित माहौल प्रदान करवाया जाए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो, लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि आखिर इस तरह के मामले क्यों उठ रहे हैं। आप उस समय जुड़े नहीं थे, आपकी भी गलती नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि मैं बचाव कुछ नहीं करना चाहती इस मामले पर। बोलिए पंकज जी। अगर इस पूरे मामले में या ऐसे कितने भी मामले हैं उनमें अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो सत्ता के मोह में गृह मंत्री की कुर्सी से चिपके बैठे हैं। अगर राजस्थान के अंदर एक अलग गृह मंत्री होता तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छा सुरक्षा का माहौल हम महिलाओं को दे पाते, परंतु पता नहीं क्यों उनको ऐसी मलाई नजर आती है गृह मंत्री के पद के अंदर जो वो गृह मंत्री बने बैठे हैं। बहुत अच्छा होता अगर अच्छा लगता कि वो अगर ऐसी कोई घटना के रिएक्शन के अंदर अपना गृह मंत्री का पद से त्याग देते और एक नया गृह मंत्री बनाते, परंतु उनको इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और सुजाता जी के जैसे तमाम कांग्रेस के नेता केवल और छोटे छोटे मगरमच्छ आंसू बहाते हैं ऐसी घटना होने के बाद और ऐसे उसके बाद तमाम घटनाएं भूल जाते हैं। आप बताइए आपने कौन से जिले के अंदर कोई एक अतिरिक्त व्यवस्था करी महिलाओं की सुरक्षा के लिए? लेके एक जिला बता दे जिसके अंदर इन्होंने अतिरिक्त व्यवस्था करी, एक जिला बता दे जिन्होंने जहां पे इन्होंने किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद में वहां जाके उस महिला को सुरक्षा और संरक्षण देने का काम किया। आप एक घटना बता दीजिए जिसके अंदर इन्होंने किसी दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने का काम किया हो। बड़ी मुश्किल से थानागाजी में जब ऐसी घटना हुई थी और जब जनता जागरूक हुई, जनता ने आंदोलन किए, तब जाके उस बेचारी लड़की को इन्होंने नौकरी देने का काम किया, वो भी पूरे एक साल के बाद में।
मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इससे सत्ता में बैठे लोग बिल्कुल निरंकुश निर्लज हैं, इनको अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता के बीच में जाके बैठना चाहिए। बताइए सुजाता जी। देखिए बहुत दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इस तरह से राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं एक महिला के साथ हुए बलात्कार का। एक तो महिला वैसे ही परेशान थी अपने पति से और दूसरी तरफ एक पुलिस वाले ने उसके साथ किस तरह का कृत्य किया। और ये बात कर रहे हैं सरकारों की, तो सरकारों का काम जो होता है वो होता है कि पुलिस जो है अपनी कार्यवाही करे अगर कोई अपराध करता है। लेकिन ये सिस्टम जो है अगर आज इस स्थिति में आया है तो जब इनकी सरकार थी और तमाम बेटियों के साथ अपराध हो रहे थे और अलवर में जितने अपराध हुए उसकी लिस्ट अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो शायद आपके कार्यक्रम का समय खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या काम किया आपने? आपकी आरएसएस तो बहुत बताती है कि लोगों को जागरूक करती है। महिला दिवस पे जानना चाहती हूँ कि आप अपनी महिलाओं को आरएसएस में मुख्य प्रवक्ता क्यों नहीं बनाते? आप आरएसएस में उनको प्रचारक क्यों नहीं बनाते? महिलाओं के प्रति जो घृणा की भावना है वो आरएसएस की है, जो घृणा की भावना है वो भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहती है। और मैं फिर से कहूंगी कि इस बेटी के साथ जो हुआ है उसमें उसकी कड़ी निंदा करते हुए ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम समाज में बेहतर समाज बना सके, लोगों को जागरूक कर सके, ताकि महिलाओं के प्रति इस प्रकार की घृणा की भावना जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके कर्नाटक के नेताओं को आपने देख लिया ना किस तरह की सीडी आई और किस तरह से 16 इनके जो मंत्री और विधायक है वो पहुंच गए हाईकोर्ट में अपना बचाव करने कि उनकी कोई सीडी लीक ना हो जाए। ये बताती है इनकी मानसिकता कि ये महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किस तरह से बेटियों के साथ उन्हें प्रताड़ित किया, किस प्रकार से एक विशेष समुदाय की महिलाओं को के ऊपर डंडे भांजे, उन्हें जेल में डाला, उनको पिटवाया अपनी पुलिस से, किस प्रकार से हाथरस की बेटी का के साथ जब रेप हुआ तो इनके इनकी पुलिस ने उस बात को सामने नहीं लाया। अगर वहां पे जो सामाजिक कार्यकर्ता या मीडिया इस बात को ना लाती सामने तो वो बात सामने नहीं आती। इन्होंने कहा उसका रेप नहीं हुआ। यहाँ पे राजस्थान में आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है मगर ये मुद्दा उससे भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये एक महिला की अस्मिता से जुड़ा मामला है। और इस बेटी के साथ जो हुआ उसको उसका खुलासा पुलिस ने किया, त्वरित कार्यवाही करी। आप बताइए कि 3 दिन उसके साथ रेप हुआ और पुलिस ने ये कहा है, महिला पुलिस एसपी ने ये बात कही है कि 3 दिन हुआ और उसके बाद 2 दिन की 2 दिन लेट हो गया, ये मामला सामने नहीं आया क्योंकि बेटी सामने नहीं आई। लेकिन जैसे ही आई वैसे ही जो सीनियर पुलिस अधिकारी है वे उस थाने में गए और उन्होंने पता लगाया और त्वरित उस पुलिस वाले को गिरफ्तार भी किया। क्या ये बता सकते हैं कि इनके कौन से राज्य में कौन से शासनकाल में इस तरह से कार्रवाई की गई? मैं सरकार का बचाव करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए बैठी हूँ क्योंकि ये मेरी सरकार है और ये महिला विरोधी सरकार नहीं है। और अगर महिला विरोधी सरकार नहीं है तो ये मैसेज हर जन तक जाना चाहिए कि बेटियों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम राजनीति नहीं करेंगे बेटियों की अस्मिता पर। पंकज मीणा जी, राजनीतिकरण जरूरी है क्या महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर? अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि किसी दुष्कर्म पीड़िता की, कोई दलित की, कोई गरीब की, कोई असहाय की, उसके साथ खड़े होना राजनीतिकरण है तो हम राजनीतिकरण करेंगे। अगर इनको लगता है कि किसी असहाय को समर्थन करना राजनीतिकरण है तो हम राजनीतिकरण करेंगे। परंतु दुर्भाग्य ये देखिए कि घटना होती है जय राजस्थान के अलवर जिले में और ये हमारी कांग्रेस की बड़ी नेता सुजाता पाल जी पता नहीं कहाँ से तो कर्नाटक की घटना लाती है, कहाँ उत्तर प्रदेश में जाती है, कहाँ मध्य प्रदेश में जाती है। पूरी देश की चिंता है इनको परंतु राजस्थान की चिंता नहीं है। और कहीं ना कहीं सभी कांग्रेसियों की ये मानसिक विकृता ही राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ाने का कारण है। ये लोग राजस्थान में नहीं देख रहे, राजस्थान की चिंता नहीं कर रहे, राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं कम हो जाए उसकी इनको बिल्कुल चिंता नहीं है। परंतु ये क्या करते हैं कि इनको उत्तर प्रदेश से तुलना करके ये अपने मन में संतुष्ट कर लेते हैं और मध्य प्रदेश की घटनाएं याद दिला के ये हमारे यहाँ की घटनाओं को दमन करने का प्रयास करते हैं। अरे थोड़ी बहुत शर्म हो
तो कृपया करके उस महिला के साथ खड़े होइए, उसके उसको कुछ ना कुछ सहारा दीजिए, समर्थन दीजिए। आप कहती है हमने वो पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया, मैं कहता हूँ बर्खास्त क्यों नहीं किया ऐसे आदमी को, पूरे देश के अंदर मिसाल देनी चाहिए थी कि अगले 24 घंटे के अंदर हमने एक ऐसे ऐसे दुष्कर्म के आरोपी को बर्खास्त करके दिखाया नौकरी से। अगर ऐसा कुछ करते तो वास्तव में लगता है कि इन्होंने कुछ किया है, परंतु इनको राजनीतिकरण तो इनको करनी है, इनको राजनीति नहीं करनी, इनको सरकार नहीं चलानी, इनको कोई काम नहीं करना, परंतु राजनीतिकरण करके इस प्रकार की घटनाओं को ढकना इनका सबसे बड़ा काम रह गया है। और ये दुर्भाग्य तो सुजाता पाल जी जैसे स्वयं का है कि जो इनको मजबूरी में आके टीवी चैनल्स के ऊपर इस प्रकार से बोलना पड़ता है। घर में जाके पूछिए सुजाता जी से कि इनके बच्चे इनको क्या कहते होंगे कि आप इस प्रकार की घटनाओं को संरक्षण देना। पंकज मीणा जी, पर्सनल कमेंट नहीं, कांग्रेसी नेताओं के लिए कह रहा हूँ पल्लवी जी, मैं तमाम कांग्रेसी नेताओं के लिए कह रहा हूँ कि क्यों ये इस प्रकार की घटनाओं को संरक्षण देते हैं। अगर ये अगर इतने कहना चाहिए जैसे सीना तान के इस प्रकार की बात कह सकते हैं तो इनको उनके कर्मचारी को बर्खास्त करना चाहिए था, तब हम मानते हैं कि इन्होंने कोई कार्रवाई की है। आप देखिए घटना हो गई, घटना हुई 4 दिन हो गए और फिर आप कहते हैं कि हमने साहब उसको सस्पेंड कर दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये तो इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई? अरे इसका कितनी घटना इस प्रकार की मैं बताऊं, ऐसा कोई जिला नहीं, कोई सी तहसील अछूती नहीं, कोई सा गांव अछूता नहीं इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और फिर भी बड़ी निर्दलता से पूरी कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बैठे बैठी है और केवल इस प्रकार की घटनाओं पर लिपापोती करती रहती है। सुजाता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। जी बिल्कुल, ये निर्लज्जता है क्योंकि राजनीतिकरण ये कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा था कि इनको अधिकार है कि ये खड़े होके बोले और मेरी सरकार से ये मांग करें क्योंकि ये सरकार इनकी भी है कि कार्रवाई हो और किसी को बचाया ना जाए, मगर राजनीतिकरण इन्होंने करा। क्योंकि जब इस महिला ने रिपोर्ट लिखवाई, जैसे ही सामने आई रिपोर्ट लिखी गई, ये बात इन्हें समझना चाहिए। अगर पर्सनल होना है तो आपको बता दू, बे औलादों की जहां जहां सरकार है उनको भी बताइए, उनको भी कुछ सिखाइए। और मैं किसी का बचाव करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। महिला अस्मिता की जब बात होती है तो महिलाओं को बचाने की, और खास करके आप अपनी महिला प्रचारकों को क्यों नहीं भेजते? है आपके पास महिला प्रचारक जो जाकर खड़ी होंगी उस बेटी के साथ, या आप जैसे पुरुष जाके खड़े होंगे जो राजनीतिकरण करने के लिए बैठे हैं और कहते हैं कि हाँ हम राजनीतिकरण करेंगे, साथ नहीं खड़े होते टीवी पर बैठकर राजनीतिकरण करने की बात करते हैं, ये नहीं कहते कि हम समाज से इस कुरीति को हटाएंगे। हम अगर सरकार इसमें कार्रवाई कर रही है तो हम उसका साथ देकर उन लोगों को पकड़वाएंगे, ये नहीं कह रहे आप कह रहे हैं कि हाँ हम यहाँ बैठकर राजनीतिकरण करेंगे। आप अपनी महिला प्रचारकों को कब भेज रहे हैं वहां पे, मुझे बताइए। कौन सी महिला प्रचारकों को भेज रहे हैं उस बेटी के पास, ये बताइए। अपने अपने संघ में आप कितनी महिला प्रचारकों को रखेंगे जो ऐसे मामलों में रिपोर्ट बनाए, जो ऐसे मामले में सरकार को। यहां पर आपसे करना चाहती हूं, जब हाथरस का मसला हुआ था तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों गए थे बेटी से मिलने के लिए, बेटी के परिवार से मिलने के लिए, माफ कीजिएगा। तो अब जब यहां पे मामला सामने आया है अलवर से, तो क्या यहां पर आएंगी प्रियंका गांधी या खुद राहुल गांधी आएंगे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए? जहां पे बेटी के साथ ऐसा कृत्य होता है और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, जो आपने देखा कि हाथरस में किस प्रकार से हुआ, अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहां नहीं जाते तो कभी क्या उस मामले में सही तरह से कार्रवाई होती, जिस तरह से उस बेटी की लाश को जला दिया गया था? लेकिन आप मुझे बताइए, अगर कार्रवाई हुई है, जहां कार्रवाई नहीं होती है, जैसा मैंने कहा विपक्ष का भी धर्म होता है कि वे खड़े हो, और इनका धर्म है जो नेताजी अभी बात कर रहे हैं मीणा जी, इनका धर्म है, इनका कर्तव्य है कि अगर कहीं पे भी कुछ कमी रह जाए तो ये खड़े हों उस बेटी के साथ और सरकार से सवाल करें। लेकिन अगर सरकार कार्य करती है तो हमारे नेताओं को आवश्यकता नहीं है कि वे वहां जाके जबरदस्ती भीड़ करें और राजनीतिकरण करें। राजनीति वाले लोग जो हैं उनको तब वहां जाना पड़ता है, मीडिया वालों को तब मुद्दों को उठाना पड़ता है जब कार्रवाई ना हो, मीडिया को तब भी मुद्दों को उठाना पड़ता है जब ऐसी कार्रवाई हो जाए, ताकि जागरूकता हो, ताकि उन्हें पता चले कि सरकार उनके साथ है, जैसा आपने आज किया है और अन्य बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। ये आवश्यकता इसलिए होती है ताकि लोगों के पास ये मैसेज जा सके कि आपके साथ सरकार भी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है, आपके साथ कोई गलत करता है तो आप डरे ना, पीछे ना हटे, सामने आए, अपनी आवाज को बुलंद करें, और तभी महिलाओं का सम्मान करना सीखेंगे इस तरह के लोग जो इस तरह का कृत्य करते हैं या इनका समर्थन करते हैं या संरक्षण करते हैं। पंकज मीणा जी, पल्लवी जी,
आपके प्रश्न से बड़ा स्पष्ट है कि राजनीतिकरण कौन करता है। अगर वास्तव में राजस्थान की बेटियों को कांग्रेस पार्टी बेटी मानती, राजस्थान में रहने वाली महिला बेटियां अबोध बच्चियां उनको अगर नागरिक भी मानती तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी राजस्थान में आती। और मैं कहता हूँ प्रियंका गांधी जी राजस्थान में नहीं आती तो चलो कम से कम एक ट्वीट तो करते। राहुल गांधी जी आपको बड़ी चिंता होती है बेटियों की, और वो केवल यूपी की बेटियों की, आपको चिंता राजस्थान की बेटियों की नहीं है। सीधी सीधी बात है कि कांग्रेस केवल राजनीतिकरण करना चाहता है और केवल राजस्थान के सरकार को किसी भी तरह बचाए रखना चाहता है। आप बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते टीवी चैनल पर आके, परंतु राजस्थान की बेटियों के लिए आप कुछ नहीं कर पाते। और देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मानसिक विकृतता देखिए आप कि किस प्रकार से कोई भी घटना हो तो कहाँ से ये आरएसएस आ जाता है, कहाँ से संघ आ जाता है। अरे साहब, ये मामला है सरकार की लापरवाही का, ये मामला है राजस्थान की बेटियों के साथ लगातार हो रहे दुष्कर्मों का। आप उनकी बात नहीं करेंगे, संघ आ जाएगा यहाँ पे, संघ के प्रचारक आ जाएंगे। अरे साहब सुजाता जी, थोड़ी आंखें खोलिए, दुनिया को देखिए, संघ ने कितने काम किए हैं और संघ ने पूरे कोविड काल के अंदर जो काम किए ना उसको पूरा विश्व आज लोहा मान रहा है। और जहां तक बात कर रही है बार बार प्रचारकों का, तो आपको याद दिला दूं पूरे विश्व के अंदर संघ की 500 से अधिक महिला प्रचारिकाएं हैं। चलिए वो उनको संभाल लेंगी, परंतु प्रियंका वाड्रा जी जो बार बार उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में होने वाली दुष्कर्म घटनाओं को राजनीतिक टूरिज्म बना देती है, पॉलिटिकल टूरिज्म बना देती है, तो उनको जाके कहिए कि पॉलिटिकल टूरिज्म की डेस्टिनेशन राजस्थान में भी है और विशेषकर अलवर जिला, कृपया करके यही पॉलिटिकल टूरिज्म के नाम पे आ जाइए तो शायद हो सकता है कि राजस्थान के बच्चियों को कुछ ना कुछ समर्थन संबल मिलेगा। बताइए सुजाता पाल जी। देखिए दो विषय, एक इनके संघ के बारे में क्यों ना बोला जाए, कुलदीप सिंह सेंगर को कौन बचा रहा था, चिन्मयानंद को किसने बचाया, और तमाम आपके नेता जो सीडी कांड में फंसे हुए हैं उनके बारे में क्यों ना बात हो। आपके राजस्थान के जो नेता हैं उनके बारे में आपको नहीं पता कि किस तरह के कृत्य करे गए हैं 2020 में। एक मैटर में ना केवल कांग्रेस के नेता मगर बीजेपी के नेता एक ही मैटर में अरेस्ट हुए, भूल गए क्या ये, और ये अलवर का ही मैटर था। अब आप मेरे को ये बताइए कि प्रियंका गांधी जी अगर जाए तो आप कहेंगे कि राजनीति हो रही है, इनकी सरकार यहाँ है, क्या कार्य नहीं कर रही। और मैं फिर कह रही हूँ कि कार्य क्या हो नहीं रहा, क्या FIR दर्ज नहीं हुई, क्या किसी ने बेटी के बारे में अपशब्द कहे जैसे आपके नेताओं ने कहा हाथरस की बेटी के बारे में, तब राजस्थान के नेता भी बोल रहे थे, क्या किसी ने अपशब्द कहे उस महिला के बारे में जो 50 साल की थी बागपत में मंदिर में जिसका रेप हुआ और हत्या हुई, तब आपके नेता भी बोल रहे थे राजस्थान के। जब प्रियंका गांधी के की सरकार वहां पे है और प्रियंका गांधी जी की सरकार अगर कार्य करती है तो उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो, उनकी सरकारें जहां पे है अगर महिलाओं के विरुद्ध कुछ भी कृत्य होता है तो वो अवश्य जाएंगे, वो अपनी सरकार को अवश्य कहेंगे कि इसमें कोई ढीलम ढालाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सरकारें बनाई है इसलिए ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके और उन्हें न्याय मिल सके अगर उनके साथ कुछ गलत होता है। ठीक है, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ सुजाता जी, ये कोई पहला मैटर नहीं है जैसा मैंने आपको बताया। इससे पहले अभी मेरे को मथुरा की बात याद आई है, जब प्रियंका गांधी मथुरा पहुंची थी किसान महापंचायत में, उस दौरान भी राजस्थान का ही एक परिवार जिसमें बेटी और उनके पिता पहुंचे थे वहां पर, और बेटी ने बोला था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ राजस्थान में और अभी तक जो है न्याय नहीं मिला, तब जाकर प्रियंका गांधी ने फोन किया है प्रशासनिक अधिकारियों को। तो ये तो ताज़ा मामला है। तो ऐसे राजस्थान में कई मामले हैं जो आपके ही कार्यकाल में आए हैं, अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं भी यहाँ पर अभी कोई हो हल्ला नहीं करना चाहती, बस मैं ये जानना चाहती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जो अधिकारी हैं वो भी गंभीरता क्यों नहीं लेते हैं, क्यों हम गंभीर नहीं हो पा रहे हैं, क्यों सिर्फ इसे एक राजनीति का या फिर चुनावी मुद्दा ही समझा जाता है। बिल्कुल नहीं, देखिए सिर्फ चुनावी मुद्दा कभी नहीं समझना चाहिए, और महिला होने के नाते आपको और मुझे इसके भी विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए जब भी ऐसा कुछ हो। लेकिन आप देखिए कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये कार्यक्रम इसलिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि लोगों तक ये मैसेज जा सके कि आपके साथ सरकार भी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है, और कहीं पे भी आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है अगर आपके साथ कुछ गलत होता है। आप देखिए कि हमारे समाज में जो पितृसत्ता है, जो महिलाओं के प्रति घृणा है, इसी वजह से मैं महिला प्रचारकों की बात कर रही थी, क्योंकि अगर समाज के हर ऑर्गेनाइजेशन में महिलाएं होंगी तो इस तरह की
चीजें कम होंगी और ना केवल जागरूकता आएगी कि भाई महिलाएं भी आधी आबादी है देश की, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए कि किस प्रकार से उस परिवार को ये हिम्मत थी कि वे अगर प्रियंका गांधी तक पहुंचेंगे तो शायद उनको न्याय मिल जाएगा, और वो गए और उनको न्याय मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां से फोन इमीडिएटली किया था और इंश्योर किया कि उनकी बात को सुना जाए। लेकिन क्या ये हर जगह होता है? अगर उस परिवार को जाना पड़ा, वो क्यों जाना पड़ा? वो हम सबके ऊपर एक काला धब्बा है कि हमारी जो सरकारें हो, कोई भी सरकार हो, इसमें हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये आधी आबादी का विषय है। इस वजह से हमें ये कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सबको मिलकर जहां भी गलत है आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं की अस्मिता खेल। मैं अप्रिशिएट करती हूं कि आपने इस बात को कम से कम स्वीकार किया, मैं इसके लिए आपको वाकई मैं अप्रिशिएट करती हूं, और समय की कमी है इसलिए मैंने आपको टोका। शुक्रिया मैम आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि अलवर से रेप का एक मामला सामने आया है, जहां एक पुलिसकर्मी के द्वारा ही एक महिला के साथ 3 दिन तक रेप किया गया। हालांकि आरोपी पुलिसकर्मी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे देखना रहेगा कि इस मसले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।